ये साक्षी इस बहन की है, ये कहती है इनका जो बेटा है करीबन 20-22 साल का है, और क्योंकि हम जानते हैं कि अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ये कहती है कि इनका बेटा सारा सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता है, काम में व्यस्त रहता है। तो ये पिछले महीने की बात है, ये कहते हैं कि मैं केवल उसके कमरे में उसे चाय पानी या खाना देने जाती हूँ और पूरा दिन वो अपने काम में ही रहता है। तो ऐसा हुआ कि एक दिन पिछले महीने जब वो बाहर गया कुछ काम से, तो वहाँ लोगों ने उसे कहा कि तेरा चेहरा पूरा पीला हो गया है, तुझे कुछ बीमारी है। तो ये कहते हैं कि मैंने कभी देखा नहीं या इतना हमें समय नहीं मिला कि उसे देखे, क्योंकि वो इतना काम में व्यस्त रहता था। तो जब हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा इसे जॉन्डिस हो गया है और पूरे शरीर में फैल गया है, बहुत ज़्यादा जॉन्डिस हो गया है। तो ये कहते हैं कि डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किया तो उसका BP हाई था, शुगर हाई था, और डॉक्टर ने कहा मैं कोशिश करूँगी पर मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ इसके अच्छे होने का या सेहत के बारे में। तो ये कहते हैं कि ये बहन और इनके पति जो है, इन्होंने अपने बेटे को यहाँ चर्च लेके आए थे पिछले महीने, और जब हम जैसे आज शनिवार को पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं तो वैसे कहती उस दिन भी हमने उसे यहाँ लेके आए, स्टेज पे लाए और पास्टर से उसे प्रार्थना कराया। और ये कहती है कि पास्टर ने कहा कि विश्वास करो, डरो मत, विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। तो ये कहते हैं जब पास्टर ने ऐसे कहा तो मेरे बेटे में भी हिम्मत आई और हम प्रार्थना करके यहाँ से गए, तो हम विश्वास से गए कि प्रभु पूरा ठीक करेगा। और ये कहते हैं आज एक महीना हो चुका है, उसके बेटे का जो जॉन्डिस है, जो पीलिया है शरीर के अंदर, पूरी तरह निकल गया है। ये कहते हैं उसका सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया है, उसके सेहत को अब कोई हानि नहीं है, परमेश्वर ने उसे नया जीवन दिया, इसलिए सारा गौरव महिमा आप प्रभु यीशु को देंगे। थैंक यू जीसस।